Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. So, students, in today's video, we will going to continue our chapter 6 division with division of a third digit number by a one digit number. It means, आज हम अपने chapter 6 के topic में पढ़ेंगे कि हम three digit number को एक one digit number से कैसे divide करें. तो जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये three digit number है. Ones, tens, and hundred. ठीक है, तो यहाँ पर three digit number है और इसे हम divide करेंगे one digit number से, two से. इसका मतलब हम 284 को divide करेंगे two से. ठीक है बच्चों, तो इसमें अब आपको क्या करना है, same वही process होता है जो आपने अभी कल सीखा था, टू डिजिट नंबर को डिवाइड करने के लिए. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो इसमें फर्स्ट डिजिट है वो देखिए आप क्या है. फर्स्ट डिजिट इज टू. अब आप टू के टेबल को इतने टाइम से रीड कीजिए जो जिसमें आंसर टू आ जाए, तो रीड करेंगे टू वन जा टू. वन टाइम पर ही क्या आ गया, टू आ गया. यहां पर आप क्या लिखेंगे, टू वन जा टू. अब इसी टू में से टू माइनस करेंगे, आ जाएगा नीचे जीरो. अब फिर आप यहाँ पर एट जो है वो नीचे नोट डाउन कर लेंगे, एट. अब आप टू के टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि एट आ जाए. टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट. कितने बार कितने टाइम्स पर आया, फोर पर. टू फोर जा एट. फिर आप एट में से एट को माइनस करेंगे, जीरो आएगा. फिर आप यहाँ पर नीचे फोर नोट डाउन कर लेंगे. डिवाइडिंग थ्री ग्रुपिंग, इसका एग्जांपल मैंने आपको कराया था पहले. ये टू डिजिट वाला है, ठीक है.
नाइन में डिवाइड करोगे तो कितनी नाइन से डिवाइड करेंगे जिससे नाइन आ जाए, तो नाइन फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन। अभी टू टाइम्स करके नाइन से बड़ी डिजिट आ गई टेन, हमें क्या करना है नाइन से छोटे डिजिट लेंगे जो उससे माइनस हो जाए, तो हम क्या करेंगे फाइव वन जा फाइव, ठीक है हमने ये लिया। अब इसे माइनस कर देंगे, नाइन में से फोर फाइव गया यहाँ पे फोर बजेगा, ठीक है ये फोर बजा, हमने यहाँ पे टू जो है वो नोट कर दिया। एक और चीज अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई ऐसे डिजिट बचती है जिसका जो यहाँ पे बड़ी आती है, पहली बात तो ऐसे कोई डिजिट बचेगी नहीं, आपको कोई डिजिट देनी है, ये जो यहाँ पर ये बड़ा नंबर होता है यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट होती है ये आपको उससे छोटे की डिजिट को जो है वो यहाँ पर टेबल रीड करके लिखना होता है। आप यहाँ पर नाइन फाइव जो है टेन नहीं लिख सकते, आपको छोटी की डिजिट लिखनी होगी, ठीक है। अभी फोर्टी टू आ गया, आपको भी फाइव का टेबल इतने टाइम से रीड करना है कि हमारा फोर्टी टू आ जाए। फाइव वन जो फाइव, फाइव टू जो टेन, फाइव थ्री जो फिफ्टीन, फाइव फोर जो ट्वेंटी, फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जो थर्टी, फाइव सेवन जो थर्टी फाइव, फाइव एट जो फोर्टी एंड फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव। अब फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव आ रहा है तो फोर्टी टू से बड़ा है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 42, लेकिन 42 नहीं आ रहा है टेबल में, तो हम क्या करेंगे हम इसमें कोई छोटे डिजिट लिखेंगे, तो 58 जा 40, तो यहाँ पे हमने 8 लिखा और यहाँ पे 58 जा 40। अब फिर माइनस करेंगे ये 2 में से, यहाँ पे 42 में से 40 को अगर माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 2 नहीं बचेगा, और ये यहाँ पे हमने फिर से 0 जो है वो उतार दिया। उसके बाद हमको 5 का टेबल ऐसे रीड करना है, आंसर जो है 20 आ जाए, तो 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20। अभी पूरा पूरा बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये टेबल से टेबल में आ गया 5 फोर जा 20। अब 20 में से 20 माइनस करेंगे आंसर आएगा नीचे, मतलब रिमाइंडर है तो कुछ नहीं बचेगा, नीचे 0 आएगा। और आंसर क्या आया, अगर हमने 920 को डिवाइड किया 5 से तो हमारा आंसर आया 184, आंसर इज 184। तो ये आपके अंदर डिवाइडिंग विद रीग्रुपिंग है, इसमें आपको रीग्रुप बनाना पड़ता है, यहाँ पे ऊपर ग्रुप बना होता है लेकिन फिर आपको नीचे में एक और ग्रुप बनाना होता है, पूरा पूरा नंबर कट करने के लिए, पूरे पूरे डिजिट को कट करने के लिए। हमने कितने बार ग्रुप बनाया इसमें, यहाँ पे हमने 1 मोर ग्रुप बनाया, यहाँ पे हमने इसमें 2 मोर ग्रुप बनाया, तो इसीलिए इसे रीग्रुपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है बुक एक्सरसाइज 6.5 और 6.6 दोनों इसी इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड हैं। जो 6.5 है वो डिवीजन ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर वाले पर बेस्ड है, जो अभी मैंने इससे पहले समझाया था, तो इसमें आपको सेम एज इट इज करना है नोटबुक में। और जो 6.6 है वो इस वाले टॉपिक पर बेस्ड है जो अभी कराया है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज आपकी डिवीजन ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर बाय अ वन डिजिट नंबर पर बेस्ड है, और ये वाली एक्सरसाइज आपकी डिवीजन डिवाइडिंग विद रीग्रुपिंग पर बेस्ड है। दोनों एक्सरसाइज आपको जो है नोटबुक में करनी है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।